राजधानी भोपाल के अनलॉक होने के बाद फेमस कार्टून कैरेक्टर्स मोटू पतलू के साथ मंत्री विश्वास सारंग न्यू मार्केट पहुंची, जहां मोटू पतलू ने शॉपिंग करने पहुंच रहे लोगों को मास्क पहनाया, साथ ही लोगों से सैनिटाइज करने और सभी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कोविड अनलॉक के बाद गाइडलाइंस का पालन करना और भी जरूरी हो गया है। खास तौर पर अब हमें बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हें अभी वैक्सीन नहीं लगी। पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू को विड्रॉ किया है और हमने प्रयास किया है कि अब हम सब रोजमर्रा की जिंदगी तो जिए ही, और उसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी हम ध्यान रखें। आज हमने एक नया प्रयोग किया है, एक बच्चों के बीच में छोटू मोटू और पतलू दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वो बाजार में घूमेंगे, जहां एक और वो संदेश देंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है और पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना। आवास संस्था ने आज ये कार्यक्रम यहां पर किया है और भोपाल में हर मार्केट में, हर क्षेत्र में हमारे अलग अलग स्वयंसेवी संगठन अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जन जागरण करना और ये सुनिश्चित करना कि हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे, इसमें हम सफल रहेंगे।